हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रांश अतुल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एमएस एक्सेल में इस तरह की टेबल बनाना सीखेंगे और सीखेंगे कि इसको फॉर्मेट कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू वर्कशीट ले लेते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे। चलिए अब हम अपने टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एमएस एक्सेल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने अपना पहला लाइन लिख दिया है। अब हम अपना सबसे पहला कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखा है आर ई जी नंबर, फिर है हमारा नेम, फिर है इंटरनल मार्क 25। दोस्तों अब यहाँ पर इस वाले सेल की हमें चौड़ाई को थोड़ा बढ़ाना है, तो आप यहां पर क्लिक करके इसको इस तरीके से खींच सकते हैं। इसके बाद हम टैब दबाएंगे तो अगले कॉलम पर आ जाएंगे, रिटर्न मार्क। जी हाँ, अब हमें इसकी भी चौड़ाई को बढ़ाना है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर कर भी यह काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। इसके बाद फिर हम टैब का उपयोग करेंगे और यहाँ पर टोटल मार्क, और अब हम एंटर का उपयोग करेंगे या फिर माउस से हम A3 वाले सेल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अभी एक नंबर लेना है हमें। जो स्टूडेंट वाला कॉलम है उसकी चौड़ाई हम यहाँ पर पकड़ कर थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे राम 24। सेकेंड नंबर पर है हमारा श्याम, यहाँ पर मैं आपको टोटल करके बताऊंगा अलग से कैसे टोटल करना है। अभी अगर हमारे पास कोई लंबी सीरीज है जैसे 1 से लेकर 100 तक हमें लिखना है या 50 तक लिखना है तो यहाँ पर आपको केवल एक और दो ही टाइप करना है। इसके बाद आपको इस तरीके से इनको सिलेक्ट करना है, फिर माउस पॉइंटर को यहाँ पर बिल्कुल कोने में ले जाना है। जब यह प्लस जैसा साइन आए, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर जब ये प्लस जैसा साइन आए इसको पकड़ के आपको खींचना है। तो आपको जितने भी ले जाना हो आप ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। राजेश, अगला है हमारा सुनील, अंजलि। चलिए इसके बाद हमें इस टेबल में प्लस का फॉर्मूला लगाना है। तो अभी मैं नॉर्मल तरीके से आपको प्लस करना सिखा रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको दो तीन प्रकार से प्लस करना सिखाऊंगा। चलिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले बराबर का यूज करते हैं, फिर हम उस सेल का एड्रेस लिखते हैं जिसका हमें प्लस करना है। तो यहाँ पर C3 पर क्लिक करेंगे, प्लस D3 पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, अब यहाँ पर एक सेल में हमने फॉर्मूले को लगा दिया है। अब हमें सभी सेलों में लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसी फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने नंबर की सीरीज को आगे बढ़ाया था,
ऐसे ही हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं। बिल्कुल सेल के कॉर्नर में जाना है, जब प्लस जैसा साइन आ जाए इसको पकड़ के खींच लेना है, तो आपका सभी सेल में यह फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। चलिए अब हम इस टेबल को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना सीख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जो मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल लिखा हुआ है, इसको हमें इस टेबल के बीच में लाना है। तो हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे E1 तक। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ तक हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर एक मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो आपका यह डेटा टेबल के बीच में मर्ज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इन नंबर को सेंटर में करना चाहते हैं तो इस तरीके से सिलेक्ट करना और यहाँ पे सेंटर पर इस पर क्लिक कर देना। जी हाँ, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ कलर भी कर सकते हैं, आप थीम लगा सकते हो अलग सा। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो इन सेल को। इसके बाद इस टेबल पर हम बॉर्डर लगाएंगे, तो इसको हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारी टेबल बनकर तैयार है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।